नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। रोबिनहुड सीरीज के पिछले एपिसोड में अब तक आपने देखा टंट्या भील घाटकरी रियासत के महाराज ठाकुर तखत सिंह को एक धमकी भरा पैगाम भेजते हैं और 20,000 रुपए की मांग करते हैं। बोन ने वह पैगाम लेकर तुरंत घाटकरी गांव की तरफ रवाना हो जाता है। कहानी अब आगे। साल था 1879, अप्रैल महीने का पहला हफ्ता। बोन्या भील टंट्या मामा का वो योद्धा था जो घाटाकेड़ी रियासत के महाराज ठाकुर तखत सिंह के पास उनका संदेशा लेकर आया था। उसने तखत सिंह के राज दरबार में बड़े ही अदबो अदब से सजदा करने के बाद टंट्या मामा का वो संदेश दिया। संदेशे में उन्होंने लिखा था कि वे इतवार को घाटाकेड़ी पधारेंगे और उनसे रूबरू मिलेंगे। खत में आगे उन्होंने 20,000 रुपए फिरौती की भी मांग कर डाली। इस खत को पढ़कर पहले तो ठाकुर साहब को गुस्सा आ गया, लेकिन फिर उन्होंने कुछ सोचा और खत को एक तरफ रख कर जवाब दिया, मगर हम उनसे मिल नहीं सकते। बोन्या ने पूछा, ऐसा क्यों महाराज? ऐसा इसलिए कि हमने भी आपके सरदार के किस्से सुने हैं, ठाकुर तखत सिंह ने कहा। हम उनकी बहादुरी की दाद देते हैं, मगर डर भी लग रहा है कहीं वे हम पर भारी ना पड़ जाए। ये सुनते ही बोन्या मुस्कुरा देता है और वापस लौट जाता है। इसी तरह कुछ दिन गुजरते हैं और एक रात खंडवा जिले के पंधाना के पास घाटाकेड़ी गांव में एक अजीब सी गुप्त अंधेरी रात थी। घाटाकेड़ी रियासत के महाराज ठाकुर तखत सिंह जी के महल पर प्रहरी पहरा दे रहे थे। रात का वक्त है, एक सन्यासी द्वार पर आता है। जय भोले, बम बम भोले। राम महाराज, सभी प्रहरी एक साथ झुककर अभिवादन करते हैं। खुश रहो बच्चा। बोलिए बाबा, क्या सेवा करें आपकी? उनमें से एक बोला। महाराजा को खबर करो कि चमत्कारी बाबा उनसे मिलने आए हैं, सन्यासी अपना चिमटा ऊपर कर बजाकर बोला। परंतु ये समय महाराज के विश्राम का है, उनमें से एक बोला। हमें पता है, परंतु हमारा उनसे मिलना अत्यंत आवश्यक है। परंतु बाबा, अगर हमने महाराज के विश्राम में बाधा पहुंचाई तो कहीं महाराजा नाराज ना हो जाए। उनके विश्राम में बाधा हो ना हो, परंतु तुम हमारे आने की सूचना ना दोगे तो वो निश्चित तौर पर ही क्रोधित होंगे। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि हमारी मुलाकात कितनी आवश्यक है। सन्यासी उन प्रहरियों को समझाते हुए बोला। सन्यासी की बात सुनकर प्रहरी डर गए। सोचा, क्यों ना अंदर खबर कर दी जाए, संभव है बाबा जी सच कह रहे हो। प्रहरी ने विचार कर अंदर खबर करने की सोची। महाराजा ने यह खबर सुनकर तुरंत सन्यासी को अंदर बुलवा लिया। कुछ समय बाद महाराजा के कमरे में वो सन्यासी प्रकट होते हैं, परंतु उन सन्यासी को लंबी लंबी दाढ़ी मूछ नहीं थी। अब तक सन्यासी के साथ आए लोगों ने भी महल के आसपास चहलकदमी शुरू कर दी थी। भगवा कपड़े पहने ये लोग साधु तो बिल्कुल भी नहीं लग रहे थे। वो बस अंदर गए चमत्कारी बाबा का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। उन सन्यासी बाबा को अंदर गए काफी देर हो गई थी और इधर बाहर खड़े लोगों के सब्र का बांध टूटने लगा। पता नहीं अंदर क्या हो रहा होगा, ऐसा सोचकर सब एक एक करके वो लोग अपने अपने असली खूंखार रूप में आने लगे, हथियार टटोलने लगे। उधर अंदर महल में अलग ही माहौल बन रहा था। ठाकुर तखत सिंह के सामने वो सन्यासी बाबा पिस्तौल तानकर कहते हैं, क्यों ठाकुर साहब, कहा था ना इतवार को आऊंगा, कहाँ है 20,000 रुपए? सन्यासी के हाव भाव बदलते देख ठाकुर तखत सिंह समझ गए कि ये टंट्या भील ही है। उधर महल के बाहर टंट्या मामा के साथियों ने महल के पहरेदारों को बंदूक की नोक पर बंधक बना लिया।
और पूरे महल को चारों तरफ से घेर लिया गया। ठाकुर तखत सिंह ने बिना कुछ बोले अपने बिस्तर के तकिए के नीचे से एक चाबी निकाली और टंट्या मामा की तरफ बढ़ा दी। टंट्या मामा वो चाबी लेकर एक तहखाने की तरफ बढ़ते हैं। जब वे तहखाना खोलते हैं तो क्या देखते हैं कि वो तहखाना बेशुमार सोना चांदी हीरे जवाहरात और नोटों से खचाखच भरा था। इतनी सारी दौलत कि कोई भी बोचक्का रह जाए। इतना बेशुमार धन देखकर टंट्या भील ने ठाकुर तखत सिंह से कहा, ठाकुर मैं तो तुम्हें लूटने आया हूं, फिर तुमने इस तहखाने की चाबी मुझे क्यों दे दी? तुम चाहते तो अलग से 20,000 रुपए निकाल कर मुझे दे सकते थे, फिर तुमने ऐसा क्यों किया? इस पर घाटाखेड़ी के राजा ठाकुर तखत सिंह बोले, टंट्या मामा हमें भरोसा है आप पर, हमें पता है आप 20,000 रुपए ही लेंगे, इसलिए पूरे तहखाने की चाबी आपको दे दी। वैसे भी ये पैसा भी तो जनता का ही खून पसीना है और आप भी तो गरीबों में ही बांटते हैं। ठाकुर तखत सिंह की बात सुनकर टंट्या मामा के मन में पता नहीं क्या आया, वे बिना कुछ लिए ही घाटाखेड़ी गांव से वापस लौट गए। टंट्या मामा सोच रहे थे कि तखत सिंह अंग्रेजों का मान लिखे तो उनके जैसे ही होगा, लेकिन इस घटना के बाद उन्हें अंग्रेजों और भारतीय राजाओं में फर्क साफ दिखाई दिया। अब वे सोच रहे थे, अंग्रेज तो पराए हैं लेकिन घाटाखेड़ी के राजा तो अपने हैं, उन्हें बस मजबूरी में ही अंग्रेजों की बात माननी पड़ती थी। टंट्या मामा के इस कदम से ठाकुर तखत सिंह के दिल में टंट्या मामा के लिए इज्जत और बढ़ गई और उन्होंने उन 20,000 रुपयों से रियासत के गांव में कई कुएं बावड़ियों का निर्माण करवाया। महाराजा ने तो मामा के आने की बात वहीं दबा दी, लेकिन टंट्या मामा को कुछ दिन पहले खंडवा में देखा गया था तो खंडवा का इंस्पेक्टर नसरुल्ला खान हरकत में आ गया। पुलिस ने जांच की गति तेज कर दी। आसपास के गांव में मुनादी करवा दी गई कि अगर टंट्या भील कहीं भी दिखाई दे तो तुरंत पुलिस को खबर दी जाए। यह खबर मामा के पास पहले ही पहुंच गई, इसलिए उन्होंने कुछ दिन जंगल में गुजारने की सोची। इसी तरह भटकते भटकते टंट्या मामा बोर गांव पहुंचे। बोर गांव खंडवा बुरहानपुर मार्ग के बीच में पड़ता है। गांव के साउथ में छोटी छोटी पहाड़ियां हैं, जहां से होकर रास्ता सीधा असीरगढ़ होते हुए बुरहानपुर जाता है। बोरगांव के उत्तर में एक नाला है, नाले के किनारे ही एक दरगाह थी, बाबा चांदशावली की दरगाह। टंट्या मामा इसी दरगाह के पास झाड़ियों में अपने साथियों के साथ ठहरे हुए थे। पुलिस के जासूस चारों ओर फैले हुए थे, इसीलिए वे बोरगांव जाकर राशन लाने का जोखिम नहीं उठा सकते थे, लेकिन पेट की आग बुझाने के लिए कुछ तो करना ही पड़ता है। इसीलिए वे कभी जंगली फलों को खाकर गुजारा करते तो कभी कभार जंगली जानवरों का शिकार भी करने लगे, कभी तीतर तो कभी खरगोश। ऐसा करके उन्होंने कुछ दिन बोरगांव के आसपास जंगलों में ही बिताए। गर्मियों के दिन शुरू हो गए थे, इसलिए नाले में भी पानी नहीं था और झाड़ियों में ठहरने की अच्छी व्यवस्था थी, लेकिन मामा को पता था कि ज्यादा दिन इस तरह बिताना कठिन होगा, जल्द ही कुछ इंतजाम करना पड़ेगा। आखिर कब तक भामरादी और पीपरहट्टी के आसपास भटकेंगे? कभी कभी तो बिजनिया शिकार की तलाश में नाले नाले होते हुए इस्लामपुरा और खिराला तक चला जाता था। 2-3 दिन ठीक से खाना नहीं मिला। रात हो गई थी तभी दूर से घुंघरों की आवाज कानों में पड़ी। टंट्या मामा ने आवाज की तरफ गौर किया तो उन्हें दूर से एक बैलगाड़ी आती हुई दिखाई दी। उस चांदनी रात में बेलों के गले में बंधे घुंघरों की वो आवाज पास आने लगी। गाड़ी पास आई जिसमें बहुत सा सामान लदा हुआ था। अचानक से 6 हथियारबंद आदमी चांदशावली की दरगाह के सामने नाले से प्रकट होते हैं। उनके आगे टंट्या भील अपनी P-53 इनफील्ड राइफल लेकर गाड़ी वान की तरफ टेक देते हैं और कहते हैं, कौन गांव से आ रहे हो? आखिर क्या होगा अब आगे?
कौन था वो गाड़ी वाला जो इतनी रात को बोरगांव से आ रहा था? क्या वो कोई साहूकार की गाड़ी थी? और क्या किया टंट्या मामा ने उस गाड़ीवान के साथ? इन सब सवालों के जवाब जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड। अभी तक जिन लोगों ने भी हमारे चैनल धरती आबा को सब्सक्राइब नहीं किया है, कर लो यार, और पास वाले बेल आइकन को भी दबा देना, ताकि हमारे आगे आने वाले एपिसोड्स की नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले।